तो इस तरह रावण ने सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही सीता, तुम्हारे पापा आ गए। आई एक मिनट रुको, रावण आंटी रावण वाला खेल खेल रही हैं, ताकि आप लक्ष्मण रेखा पार कर लो, इसलिए बच्चे वेट कर रहे होंगे, बस उनसे मिलकर पार्टी एंजॉय करने में हाजिर हो जाऊंगा। नो जटिल, पहले तुम पार्टी अटेंड करो प्लीज। तुम लोग दोनों कमरे के अंदर ही रहना, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं पापा के साथ हूं ना, क्या टेंशन है। ओके आइए आइए शुभ्रा मैडम। बच्चे वेट कर रहे होंगे मेरा, बस उनसे मिलकर पार्टी एंजॉय करने में हाजिर हो जाऊंगा। सिर्फ एक फोन कॉल और शुभ्रा मैडम तुम आ गई बाहर। तो फिरकी के साथ बदतमीजी करने से पहले एक बार सोच लेना शुभ्रा मैडम, जितनी आसानी से कुलदीप को मुंबई से दूर भेजा है ना मैंने, उतनी ही आसानी से उसे आने से रोक भी सकती हूँ। 10 दिन 20 दिन, और जितनी ज्यादा देर कुलदीप को होगी उतना ही मुझे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान करने का मौका मिल जाएगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी समायरा। वेल, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तुम ही बताओ। एक और रिस्क लेना चाहोगी? रूली को परेशान करने का? मेरे बच्चों के बारे में बोलने की हिम्मत मत करना तुम। हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है मुझ में शुभ्रा। अपने बच्चों को खतरे से बचाना चाहती हो? चाहती हो कि कुलदीप जल्दी वापस आ जाए? तो फिरकी के साथ पार्टी के लिए हेल्प करो। दैट्स इट, तो ज्यादा थोड़ी ना मांगा है मैंने तुमसे। गुड, क्या अब मुझे ऐसे ही देखती रहोगी? मेहमान आते ही होंगे फिर की? हाँ हाँ दीदी। शुभ्रा मैडम को बताओ कि क्या क्या काम करने। चलो देखो, पनीर हम बहुत अच्छा बनाते हैं, पनीर हम बनाएंगे, उसी लिए ना वो तुम बनाना, ठीक है? ऑफिस में इतनी इंसल्ट होने के बाद भी ये मैडम यही है? अपनी शक्ल दिखाने में भी शर्म नहीं आ रही, कमाल है। Disgusting. Shame on her. Please guys, I request you. कोई भी शुभ्रा के इंसल्ट नहीं करेगा। कल रात उसे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है और उसने मुझे सॉरी भी बोल दिया है। अपने मंगलसूत्र और अपनी शादी का सौदा करने के लिए। बट ऑनेस्टली मुझे शुभ्रा पर बहुत तरस आया। सो गाइज प्लीज जस्ट
calm down and enjoy. बस थोड़ी देर और, कुलदीप के आते ही सब जान जाएंगे इस सौदे की असलियत, और ये नाटक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुलदीप को तो यकीन ही नहीं हुआ था कि उसकी सीधी साधी बीवी ऐसा भी कर सकती है। He was very disappointed. उसने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि अपनी शादी को बेचने वाली औरत से उसका कोई लेना देना नहीं। बेचारी शुभ्रा का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। The least we can do to help her कि हम इसे माफ कर दें, क्योंकि अकेलेपन में ही तो इंसान को किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। So come on guys, cheers to forgiveness. एक मिनट, कितना बड़ा दिल है मैम का, तुम्हें माफ कर दिया। अब उनके कहने पे तुम एक ड्रिंक तो पी सकती हो ना? मैं शराब नहीं पीती। What? 5 साल की बच्ची हो क्या? Look at her guys. इनके लिए कोई दूध का ग्लास लेकर आओ। शुभ्रा जी ड्रिंक नहीं करती है ना? Please guys, don't force her. वो सच में ड्रिंक नहीं करती है। इसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक है ना? Come on शुभ्रा, और कितने नखरे दिखाओगी? सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं लोगी? ये लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारे लिए इंडिसेंट कमेंट करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? कम ऑन, टेक इट शुभ्रा। टाइम हो रहा है चड्ढा के आने का, उससे पहले मिस्टर कुलदीप चड्ढा के ग्रैंड वेलकम की तैयारी तो कर लो। फिर की? जी दीदी। ग्रेट, एंजॉय द पार्टी गाइस। Excuse me, Mrs. Chadda. I'm sorry, Shubhra. Who actually washroom kidhar hai? Batayenge aap, please. Udhar. Mere bedroom mein le jao. I mean, niche guest room mein tum aur tumhare bacche. Upar hai. क्यों मीरा,
खुद का घर उजाड़ कर तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो अब दूसरों को दर्द दे रही हो। कैसी लगी? अच्छी है पर छोटी नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरा सारा प्यार समाया हुआ है इसमें। वो तो दिख रहा है, नकली जेम। असली वाली भी दिला दूंगा। आई एम सो हैप्पी। हम कल ही शादी कर लेंगे। माताजी को मीरा के अतीत की तलाश है, जिसके जरिए वो अपने बेटे और बहू को मिला सके। और किस्मत का खेल देखो, वो अतीत उन्हीं के घर में छुपा हुआ है। नहीं, मुझे इस झंझट में फंसना ही नहीं है। मीरा को, उसके साथ बिताए हर वक्त को भुलाकर मैंने बड़ी मुश्किल से जीना सीखा है। वेदिका की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। अपनी बेटी की खातिर इस मीरा के चक्कर से जितना दूर रहूं उतना अच्छा। क्या मतलब था कल के उस झूठे ड्रामे का? हैरान होने की जरूरत नहीं, एक नजर में भाप लेता हूं मैं सामने वाले को। वैसे ड्रामा भी फ्लॉप था, एंड आई एम सॉरी टू से, आपकी एक्टिंग भी। इतना अंधेरा नहीं था उस रूम में जो आपको वहां बैठे हुए लोग नहीं दिखाई दे, फिर भी आप दिखावा करती रही कि आप एक बुरी औरत। मुझे जाना है। रुकिए तो सही, फिल्म और टीवी सीरियल्स छोड़िए, असल जिंदगी में कौन सी औरत अपने सौतन के ऑफिस जाती है अपना मंगलसूत्र बेचने? हाँ, लुक, कल आपके साथ सब लोग ने जो बदतमीजी की है, आपको कितनी तकलीफ हुई होगी ना। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है आपका वॉशरूम में। Are you okay? हाँ हाँ अब ठीक तो है। अरे अरे अब बैठिए ना, प्लीज 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 बैठिए। यू आर फाइन? ऐसा थोड़ा नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। वैसे अरे रुकिए ना, हाँ रिलैक्स कीजिए, पता नहीं कैसे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेट्स हैव सम म्यूजिक। मैंने पहने बारी शूज, गोना लेट माय बॉडी लूज, और ली है थोड़ी बूज, लेट्स पार्टी ऑन माय माइंड। तो कल वो सब ड्रामा आपने क्यों किया? कहीं वो झूठ सच तो नहीं? आपका दिल तो नहीं भर गया अपने हस्बैंड से? ये आपकी जरूरतें पूरे करने के लायक ही नहीं हो। क्या बकवास है? अरे बकवास नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या ऋषि, कैसे सो गया तू? आपस से बात नहीं करनी है? अब नहीं सोना, ठीक है? अगर फिर से नींद आ गई तो? Hey,
रही हूँ। मैं अंडरस्टैंड समझ सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है, आपकी भी है। क्या कर रहे हो? वैसे उम्र ही क्या है आपकी, खूबसूरत भी है और हस्बैंड वो तो साथ हो के भी आपके साथ। पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, और मेरे और कुलदीप के बीच में क्या रिश्ता है ये मैं बताना जरूरी नहीं समझती। निकलो यहाँ से। आपकी एटीट्यूड की भी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं मस्से कुलदीप इज अ वेरी लकी गाय है, वाली और बाहर वाले दोनों एक ही घर में। बदतमीजी की भी हद होती है, एक थप्पड़ खा चुके हो तुम, एक कदम आगे बढ़ा ना तो देखिए। क्या करोगी ना? और एक थप्पड़ मारोगी? अच्छा मारो ना, उसी बहाने मुझे टच तो करोगी। कम ऑन बेबी, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो 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 ना मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे छोड़ो। चिल्लाओ मत, कोई अगर अंदर आ भी गया ना तो मेरी नहीं तुम्हारी बदनामी होगी, मुझे कुछ नहीं होगा। So just relax. चलो। हेलो कुलदीप, कम ऑन कम। ओके कम ऑन, ये सब हेलो हेलो कुलदीप सुन रहे हो तुम? कुलदीप All this for me? Yes, darling. धड़कते हुए दिल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम हो कि इतनी देर लगा दी। Welcome back, baby. Thank you. Hello, कुलदीप. कुलदीप. Hello. Hello. छोड़ मुझे. छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे। अब नहीं सोऊंगा मैं, पापा से मिलकर सब कुछ बता दूंगा। यस थैंक यू सो मच। मैं ऊपर फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? अभी तो गए हैं राजीव और शुभ्रा ऊपर, चड्ढा जल्दी पहुंच गया तो कहानी अधूरी रह जाएगी और प्लान फेल। डार्लिंग, वो कुछ लोगों को जल्दी जाना है,
तो तुम 5 मिनट उनके साथ बैठ जाओ, फिर फ्रेश हो जाना प्लीज। ओके श्योर। अब तो राजीव को काफी टाइम मिल जाएगा शुभ्रा के खेल का टी एंड सेट करने में। छोड़ दो मुझे।